राजगीर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। यही वो रास्ता होगा जिससे आप जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तरफ। ये बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, बाहर के खिलाड़ी बिहार आकर के खेल सके और बिहार के खिलाड़ियों को बाहर न जाना पड़े। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आपको दिखाने के लिए राजगीर का इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसमें कि कई खेलों के लिए तैयारियां की जा रही हैं। एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है और साथ में कई छोटे छोटे स्टेडियम भी उसके साथ में बनाए जा रहे हैं, ताकि अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग सेक्शन हो सके, लोग अलग अलग जा करके वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। बिहार में अगर स्पोर्ट्स की हम लोग बात कर लें तो बिहार में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तो छोड़ दीजिए, एक अपना मोइनुलहक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि बहुत ही बुरे हाल में। पिछले दिनों आपने वहाँ पे अंडर 19 का जो रणजी ट्रॉफी मैच देखा था, उसके बाद भी कई सारे ऐसे कमेंट आए थे कि भाई उस स्टेडियम को अच्छा बनना चाहिए और भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों के लिए वो स्टेडियम बहुत ही खस्ता हाल दिखता है। चारों तरफ से उसकी हालत बहुत ख़राब है। 2024 यानी कि इसी साल जून में डेडलाइन दी गई है इस स्टेडियम को बना करके कंप्लीट कर देने की और हैंडओवर कर देने के लिए। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पर ये जो मौजूदा हाल देख सकते हैं, आज 2 मार्च है और हम लोग यहाँ पर राजगीर में आपको इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीर दिखाने के लिए पहुँचे हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। तो काम जब आप देखेंगे तो चारों तरफ से आप देख सकते हैं ना, सीट वगैरह बनाई जा रही है जहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, और अगर जो मेन स्टेडियम की बात कर लें तो उसमें तकरीबन 75% काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत काम वहाँ पर बाकी है। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ से राजगीर की पहाड़ियाँ हैं। इसके पास आपको नालंदा विश्वविद्यालय मिल जाता है जो नया वाला बन करके तैयार हुआ, और उसके बाद ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी मिलता है। यहीं पर कहीं आसपास में आपको राजगीर की फिल्म सिटी भी मिल जाएगी, लेकिन उससे कहीं पर बोर्ड दिखा नहीं तो हम लोग दिखा नहीं रहे। लेकिन राजगीर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डेडलाइन दी गई है जून 2024 तक। ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आप जब देखिएगा तो ये सारे ब्लॉक्स अभी वैसे ही पड़े हुए हैं, इसको कहीं ना कहीं राजगीर के स्टेडियम में शिफ्ट किया जाना है, लेकिन अभी सारा काम बाकी है। और यही वो रास्ता होगा जिससे आप जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तरफ। ये पीछे राजगीर की पहाड़ियाँ हैं और उसके पीछे नालंदा यूनिवर्सिटी का नया वाला कैंपस आप देख सकते हैं। ये जगह कौन जगह बोलता है भैया? ये छबीलापुर ना, छबीलापुर रोड में। हाँ बिल्कुल, छबीलापुर रोड में आप आएंगे किधर से? अगर आप राजगीर के बस स्टैंड से बढ़ते हैं छबीलापुर की तरफ, या फिर आप बढ़ते हैं इस्लामपुर से छबीला की तरफ बढ़ते हुए राजगीर आते हैं, तो बीच में आपको ये मिल जाता है जो पुलिस अकादमी है, उसकी जस्ट थोड़ी सी दूरी पर ये आपको स्टेडियम यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। ये स्टेडियम बिहार के लिए कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बिहार के खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए, खेलने के लिए। लेकिन अब जब अपने पास इतना ज़बरदस्त वाला हाईटेक स्टेडियम बन करके तैयार हो जाएगा, लोगों को दे दिया जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं इस स्टेडियम के बनने से बिहार के खिलाड़ियों की प्रतिभा में बहुत उभार आने वाला है, निखार आने वाला है, क्योंकि जो लोग बाहर जा करके प्रैक्टिस करते थे अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और अपने बिहार में ही बहुत ही हाई लेवल का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब बिहार को मिलने जा रही हैं। पिछले इतिहास पर नज़र डालते हैं तो 2007 में मुख्यमंत्री थे उस समय नीतीश कुमार, उन्होंने बिहार में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखने की बात की थी, चर्चा की थी, मुद्दा उठाया था। लेकिन 2018 में इसका यहाँ पर शिलान्यास कर दिया गया, तो मतलब कि काम शुरू होना चालू हो चुका था और बहुत ही ज़बरदस्त वाला रोड मैप भी तैयार हो चुका था बनके, और 2020 अक्टूबर में इसको हैंडओवर करना था, बन करके ये स्टेडियम तैयार होना था, लोगों तक पहुंचना था। लेकिन अभी 2024 चल रहा है और इसका काम बहुत लेट हुआ। वो तो टेक्निकल रीज़न वो सरकार जानती होगी, जो कंपनी इसको बना रही है वो जानती होगी, लेकिन हमें तो इसी बात का इंतज़ार था कि बिहार में भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जैसा कोई चीज़ हो, ताकि बाहर के खिलाड़ी बिहार आकर के खेल सकें और बिहार के खिलाड़ियों को बाहर ना जाना पड़े। तो ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा था। अभी कहा जा रहा है कि 2024 के जून, यानी कि अभी मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि 3 महीना, हमें नहीं लगता कि 3 महीना में ये कंप्लीट हो जाएगा, वैसे जून तक कहा जा रहा है कि ये बन करके कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मतलब बताया जा रहा है, खबरों में ऐसी चीज़ें आ रही हैं।
फिलहाल हम लोग यही दिखाने के लिए आपको पहुंचे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा होगा। आप सोचिए जब ये स्टेडियम बन करके तैयार हो जाएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। इस राजगिरा पर्वत के जस्ट साय में ये स्टेडियम होगा, उसके जस्ट बगल में आपको इंटरनेशनल लेवल की नालंदा यूनिवर्सिटी नई वाली वो दिखेगी, तो कितना अच्छा होगा सब कुछ, है ना। तो इसी तरह के वीडियोस को देखते रहिए और अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।